हेलो गाइस, तो इस वीडियो का टॉपिक है ये फर्न। तो इसको मैंने इस पॉट में, जिसमें काफ़ी और सारे प्लांट्स भी हैं, उसी में मैंने प्रोपोगेट किया था। तो पहले बस सिंपली इसकी स्टेम ली और यहाँ प्रोपोगेट कर दिया और काफ़ी बड़ा, इतना बड़ा प्लांट्स ये बन गया है, फर्न है ये। लेकिन अब ये हो रहा है कि इस प्लांट्स के अंदर ये चल नहीं रही है, क्योंकि ये टर्टल वाइन ने पूरा इसको ऊपर से घेर लिया है, तो ये प्लांट बढ़ नहीं रहा। तो अब इसको रिपोर्ट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि पहले ये पाम ट्री में मैंने लगाया, रिका पाम में, ये इंडोर में पड़ा था। तो जो भी मैं कटिंग्स लगाती हूँ उसे मैं थोड़े टाइम इंडोर ही रखती हूँ, फिर उसके बाद इनको मैं शिफ्ट कर देती हूँ बाहर। तब इसको रिपोर्ट कर देते हैं किसी और पॉट में, वहाँ इसकी ग्रोथ अच्छे से चलेगी। और अब तो ये डायरेक्ट सनलाइट में ही है, और जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया कि ये रिका पाम भी मेरा डायरेक्ट सनलाइट में ही है अब, और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये टर्टल वाइन वगैरह सारा पोट ही, मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट मिलती है इसको 2-4 घंटे की। तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं अब हम इस फर्न को, कि अगर इसकी रूट्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं कितनी बनी है, डेवलप हुई है। बिजली निकल तो गया, तो जी रूट से इसकी बन गई है। रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुके हैं इसकी। तो अब हम कर देते हैं इसको रिपोर्ट। इसको ऊपर से भी एक और कट करके मैं लगा सकती हूँ, लेकिन एक बार फिलहाल ऐसे रहने देते हैं। तो ये पड़ा हमारा, तो इसमें लगाऊंगी कि बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। लगाने को तो छोटे भी आम इसमें भी लगा सकते हैं इतने से में, लेकिन हम थोड़े बड़े पॉट में लगाएंगे, फिर बार 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 चेंज करने पड़ते हैं, रिपोर्ट करने पड़ते हैं, और इसमें अच्छा चलेगा। इसी में एक क्रोटोन की लीफ भी है, 40-45 दिन हो गए हैं उसे, ज़्यादा 45 दिन हो गए होंगे लगाए को। अब इसमें तो हो जाएगी जी फर्न, उसको एक सेपरेट पॉट मिलेगा और काफ़ी हेल्दी वे में ये ग्रो करेगी। ये देखिए, थोड़ा सा होल लिया और सिंपली इसको प्रेस कर देना। पहले थोड़ा टाइम लगा उसको बढ़ने में, क्योंकि सिंपली स्टेम थी, रूट्स नहीं थे साथ। अब रूट्स साथ आए हैं तो प्लांट जैसे है वहीं से ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो जाएगी। नीचे को गिर रहा है प्लांट, चलो एक आधा दिन तो ऐसे हो गई। अब इसको वाटरिंग कर देते हैं, पूरा पानी से एक बार भर देते हैं। और अगर ज़्यादा मुझे लगा कि नीचे को गिर ही रहा है, तो फिर मैं यहाँ से कट करके एक स्टेम इसकी और लगा दूँगी। यहीं देख लेते हैं एक आधा दिन क्या इसका रहता है। और क्रोटोन प्लांट की भी, जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले भी और वीडियोज़ में बताया कि मैं इसको छेड़ना नहीं चाहती, वैसे कि इसकी पता नहीं रूट्स डेवलप हुई है नहीं हुई है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, कि मैंने ये भी मेरी बेटी ने लगा दिया, मैं तो लगाना नहीं चाहती थी। मैंने तो वाटर में प्रोपोगेट किए हुए हैं, रूटिंग तो अभी उनकी भी नहीं हुई, जैसे होगी तो वो वीडियो तो आपके साथ मैंने हर हाल में शेयर करनी है। तो हो गए हैं इसको, जैसे मैं बता रही हूँ 45 डेज से अबव भी हैं, कम नहीं है। तो पता नहीं, लीफ वैसे की वैसी पड़ी है। एक मन करता है कि निकाल के देख लूँ, फिर लगता है कि अगर इसकी रूटिंग हुई हो तो ये ना हो कि मैं दोबारा से लगाऊं तो ये चले ना प्लांट। तो लेके भगवान का नाम देख ही लेते हैं, इसे भी लगे हाथ।
पता नहीं रोटिंग है या क्या है, लेकिन इसकी पत्ती को आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसी की वैसी है, सूखी नहीं है। क्योंकि मैं जब वाटर में रिपोर्ट उसकी प्रोपोगेट कर रही थी लीव्स को, उसने एक लीफ यहाँ लगा दी थी। देख लेते हैं फिर। नहीं गाइस, कोई रूटिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, हल्के से वाइट स्पॉट तो दिख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन पत्ती बिल्कुल नहीं गली है। तो मैं इसको भी सेपरेट करके उसमें लगा देती हूँ फौरी के साथ ही। देख रहे हैं यहाँ पत्ती गली भी नहीं अंदर से, वो टू स्पॉट से वाइट से दिख रहे हैं। तो देखते हैं अब इसका रिज़ल्ट, हो सकता है वहाँ काफ़ी शेड में थी इसलिए ना सूखी हो, क्या पता अब सूखे ये, क्या पता रूटिंग करे, कुछ नहीं इसके बारे में कह सकती। और फर्न तो चलेगी चलेगी, काफ़ी अच्छा प्लांट है ये भी। ओके गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियोस भी हमारी ऐसी देखती रहिएगा। ओके टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं और वीडियोस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। बाय बाय गाइस।